सोमवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और अधिकारियों के साथ रबी खरीद प्रक्रिया की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने फसलों की सुगम और समयबद्ध खरीद सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि जिन आढ़तियों को पिछले खरीद सीजन की आढ़त व मजदूरी का भुगतान देरी से हुआ है, उन्हें देरी से हुए भुगतान पर ब्याज मिलेगा। ब्याज के भुगतान की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। खातों को सत्यापन के लिए आढ़तियों के पास भेजा जा रहा है। इस समूची प्रक्रिया के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे। बताया गया कि इस तरह की बैठक हर सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को सभी उपायुक्तों के साथ बातचीत करने के लिए शुरू की गई है, ताकि विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में आढ़तियों के साथ बैठक की गई थी, जिसके दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया कि खरीद के दौरान उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपायुक्तों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मंडियों में सुचारू रूप से खरीद प्रक्रिया जारी है। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आढ़तियों के साथ निरंतर वार्ता की जानी चाहिए और ये सुनिश्चित करें कि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि किसानों को मंडियों में अपनी फसल लाने में कोई परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मंडियों में गेट पास, कंप्यूटर ऑपरेटर, पेयजल और शौचालय की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।